बाद में पूछ के एक एक जगह कर दीजिए भैया। आपका छोला है एक जगह डोसा और एक जगह। हेलो एवरीवन, तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए रांची का एक और जायका नया। एक छोटे से ठेले पे हमेशा हम कहीं ना कहीं छोटे जगहों पर को शूट करते हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो उतना मनी नहीं एक्सपेंड कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खोजते हैं ऐसी जगह जहाँ पे हम छोटे कम नाम में अच्छा हाइजीन, जहाँ पे काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया हो, वहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर लाने का, प्लस बिना टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज किए हुए। तो उसी के लिए आज हम आए हैं ईश्वर ठेले पे। तो आइए आज भैया से पूछते हैं कि उनके ठेले पे क्या क्या है। भैया आप क्या क्या रखते हैं? इडली है, डोसा है, सांभर बड़ा है, छोला भटूरा है। अच्छा, इडली, छोला भटूरा, सांभर। तो आप सुबह का नाश्ता करना चाहते हैं कुछ ऐसा जो आपको सही भी रहे आपके हेल्थ के लिए, समोसा कचौड़ी से बेटर? तो बेटर ऑप्शन तो ऑब्वियसली आपको डोसा और इडली ही मिलेगा, सांभर वड़ा वगैरह आप खाइए, तो उससे आपको ज़्यादा फैट का सोचने का ज़रूरत नहीं है। प्लस अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि कितने बजे से यहाँ लगाते हैं ये, तो वो पूछते हैं कितने बजे से? 9 बजे से 8 बजे रात तक। कितने साल से आप लगा रहे हैं? यहाँ हो गया 8 साल। 8 साल से भैया लगा रहे हैं, तो भैया को 8 साल से एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए ऑर्डर देते हैं, हम इडली प्रेफर करेंगे। ताज आप क्या लीजिएगा? मेरा इडली रहेगा, इडली। और आप? मेरा छोला भटूरा रहेगा, छोला भटूरा। तो फिर हम डोसा एक जगह में लगा लेते हैं। चलिए तीनों आप एक एक जगह कर दीजिए भैया। क्या 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 डाल रहे हैं आप? ये जो बैटर बना हुआ था वो किस चीज का था? ऑयल था। ऑयल बैटर जो आप बनाए हैं चावल का, उसमें आप क्या क्या डाले थे? चावल है, उड़द दाल रहता है। उड़द दाल रहता है, उड़द दाल से क्या होता है? उड़द दाल वो दाल होता है, दाल से क्रिस्पीनेस बढ़ता है, बढ़ता है, थोड़ा खस्तापन रहता है, खस्तापन रहता है। अच्छा, और चावल को रात भर आप फूलने देते होंगे? हाँ, सुबह पर फुलाते हैं, रात में पीस के छोड़ते हैं। रात में पीस के छोड़ते हैं ताकि वो खट्टा हो तो क्रिस्पीनेस और बढ़े। नहीं होता है तो हल्का दही डालते हैं, दही भी डालते हैं। मसाले में क्या क्या डाला है? गाजर, बीन, धनिया पाउडर, धनिया, मिर्चा, हल्दी, ये सब रहता है। कच्चा प्याज नहीं डालते हम लोग, इसके शाकाहारी खाने वाला बहुत है बिना प्याज का। हाँ, लहसुन प्याज नहीं रहता। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने प्याज को ऊपर से डाला है, दैट मीन्स अगर कोई प्योर वेजिटेरियन है जो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, तो वो उसके लिए आलू में कच्चा प्याज नहीं डाल रहे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। प्योर वेजिटेरियंस उसको भी प्रेफर करेंगे। प्लस हम देख रहे हैं कि इनके मसाले में गाजर, बीन्स, पीनट्स, ये सब डाला हुआ है, जो कि हमारे अगर प्रोटीन की बात की जाए तो उसमें बहुत हेल्दी माना जाता है। पीनट्स लोग अपने डाइट में फॉलो करते हैं, प्लस ग्रीन वेजिटेबल्स, गाजर, ये सब तो हमारे लिए हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे हाइजीन की भी बात करें अगर हम, तो आप देख सकते हैं साफ़ सुथरे तरीके से बनाया जा रहा है। तो पहला तो बात आता है अगर खाने में किया जाए कि साफ़ सफाई, तो साफ़ सफाई भी आपको यहाँ पे पूरी तरीके से मिलेगा। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे तीनों रेसिपीज आके रखे हुए हैं। तो इसका रेट पूछते हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो रेट पे जाते हैं कि भाई अगर डिश है तो उसका रेट कितना है, प्राइस कितना है। लाइक स्टूडेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट लाइफ में, तो वो लोग कहीं ना कहीं कॉलेजेस के लिए निकलते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो ब्रेकफास्ट कर पाए, तो वो उनके लिए भी अफोर्डेबल है या नहीं है। तो आइए भैया से तीनों का रेट जानते हैं। भैया इडली कैसे करके आपने दिया? इडली 20 रुपये प्लेट है, 20 रुपये प्लेट। और डोसा? डोसा 50 है। और छोला भटूरा? 50 रुपये प्लेट है, 2 पीस। दो पीस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डोसा का साइज, आप देखिए कि कितना बड़ा है, प्लस यहाँ जो सांभर और चटनी दी जा रही है उसका आप देखिए कि कितना अच्छे से इन्होंने बनाया है। यूजुअली सांभर का कलर ऐसा नहीं होता है, प्लस चटनी में भी इन्होंने ऊपर से कुछ मसाले डाले हैं। प्लस अगर छोला भटूरा 50 रुपये में 2 पीस दे रहे हैं, छोले का जो छोले और भटूरे का जो साइज है वो आप देखिए, प्लस वहाँ पे इडली है 20 रुपये पर प्लेट। तो यहाँ पे इजीली कोई स्टूडेंट है अगर जो फिर जिनके पास ज़्यादा पॉकेट खर्च नहीं होता है, वो यहाँ पे आके डेली ब्रेकफास्ट इजीली कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन है, बहुत
ऊपर से आपने जीरा भुका हुआ और गोलकी डाला है ना, इससे टेस्ट काफी बढ़ गया है। आमतौर पे हम जब भी ढोसा बहुत खाए हैं कहीं पे भी ये टेस्ट नहीं मिला, इसमें ऊपर से जीरा भुक के, जीरा गोलकी भुक करके जो डाला है इन्होंने, उससे इसका फ्लेवर काफी ज्यादा इनहांस हो रहा है। जीरे का फ्लेवर आ रहा है, बहुत ज्यादा इनहांस हो रहा है। हमारे पास ये आइडिया ही नहीं होता है कि सांभर में ऊपर से हम लोग डाले। बिल्कुल, तो ये तो एक नया चीज हमको सीखने को मिला है। देखिए एकदम गर्मा गर्म और फ्लफीनेस कितना अच्छा है, बहुत गर्म है। ये मिर्च का अचार है। तो हमने तो खा लिया, अगर आप भी इस जगह पे आकर के जायके को लेना चाहते हैं तो एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एड्रेस का लिंक। प्लस आप अगर इसी तरीके से रांची से रूबरू होना चाहते हैं, रांची के जायकों से रूबरू होना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए बसंती ब्लॉग को। थैंक यू, बाय बाय।